हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं जियो एयर फाइबर की एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जियो के 2-in-1 वाले ऑफ़र के बारे में, जो कि जियो की तरफ से ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। तो ये जो नया ऑफ़र लॉन्च हुआ है, इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है, चलिए हम जानते हैं। तो दोस्तों, जो ये 2-in-1 ऑफ़र है जियो का, ये उन सभी लोगों के लिए है जिन लोगों पर जियो फाइबर का कनेक्शन है या फिर जियो एयर फाइबर का कनेक्शन है। तो इस ऑफ़र में क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि आप जियो एयर फाइबर या फिर जियो फाइबर का जो भी कनेक्शन लेते थे, तो उसमें क्या होता था कि आपको एक सेटअप बॉक्स मिलता था और उस सेटअप बॉक्स में आप टीवी चैनल या OTT ऐप्स को यूज़ कर पा रहे थे। मतलब कि आप OTT ऐप्स देखते थे तो उसी के अंदर देखते थे, सिर्फ एक सेटअप बॉक्स आपको मिलता था और उसी में आप देख पाते थे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन भी नहीं था कि आप कोई एक एक्स्ट्रा सेटअप बॉक्स कंपनी की ओर से मांग ले। मतलब ऐसा होता ही नहीं था कि आपको, आप कहे तो आपको कोई एक्स्ट्रा सेटअप बॉक्स जियो वाले दे दें जिसमें आप कोई एक्स्ट्रा TV चला पाएं। मतलब कि अगर आपके घर पे 2 TV है तो आपको 2 कनेक्शन लेना पड़ता था। मतलब अगर आपको अपने घर में 2 TV चलाने हैं, आपके घर पे 2 TV है तो आपको 2 कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती थी, तब आप जियो का सेटअप बॉक्स ले पाते थे और दूसरे TV में चला पाते थे। लेकिन अब ये चीज़ चेंज हो गई है, यही 2-in-1 ऑफ़र है। यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा सेटअप बॉक्स नहीं मिलेगा, सबसे पहले तो आप ये जान लो। अब मैं आपको बताता हूँ 2-in-1 ऑफ़र क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ क्या लिखा है, कनेक्ट 2 TV विद 1 जियो एयर फाइबर कनेक्शन। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है नो एक्स्ट्रा कनेक्शन, कोई भी एक्स्ट्रा कनेक्शन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। और नो एक्स्ट्रा एसटीबी भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है नो एक्स्ट्रा चार्ज। चार्ज के बारे में आपको बता दूँ तो काफ़ी समय पहले क्या हो रहा था कि प्रीपेड कनेक्शन वालों को एक्स्ट्रा सेटअप बॉक्स दे दिया जाता था उनके कहने पे, लेकिन उसका चार्ज लगभग 5,000 रुपये रहता था। मैंने सुना था कि 5,000 या 5,500 रुपये सेटअप बॉक्स का प्राइस होता था, तब जाके एक एक्स्ट्रा सेटअप बॉक्स उनको मिल जाता था जियो फाइबर कनेक्शन वालों को। तो यहाँ पे ये ऑफ़र आ चुका है जिसमें आप एक्स्ट्रा TV को कनेक्ट कर पाएंगे, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है 2-in-1 ऑफ़र, एन्जॉय अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट ऑन 2 smart TVs विद 1 जियो फाइबर कनेक्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देख सकते हो नाउ अक्रॉस 800+ डिजिटल TV चैनल्स, मतलब 800 से ज़्यादा TV चैनल्स आप देख पाएंगे। उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हो कि एंड 13+ OTT ऐप्स, मतलब 13 से ज़्यादा OTT ऐप्स को आप यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे वही चीज़ आ गई, नो एक्स्ट्रा कनेक्शन, नो एक्स्ट्रा HTV और नो एक्स्ट्रा चार्जेस। मतलब कि आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना है, एक्स्ट्रा HTV भी नहीं लगाने की ज़रूरत है और ना ही एक्स्ट्रा कनेक्शन की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि अगर आपके पास कोई भी स्मार्ट TV है, तो ये जो दोस्तों जियो 2-in-1 ऑफ़र है, इसमें आपको मिल क्या रहा है। तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा TV है, मतलब आपके घर में 2 TV है, एक आपके घर में जियो सेटअप बॉक्स लगा हुआ है और एक और TV में अगर आप लगाना चाहते हो जियो सेटअप बॉक्स के सभी कंटेंट को प्ले करना चाहते हो, सारी चीज़ें देखना चाहते हो, तो आपका जो दूसरा TV है वो एंड्रॉयड TV होना चाहिए। मतलब कि उसके अंदर आपको बस प्ले स्टोर मिल जाए, मतलब प्ले स्टोर उस TV में होना चाहिए। तो दोस्तों, सिर्फ प्ले स्टोर ही नहीं, कोई भी ऐप स्टोर होना चाहिए। मैं यहाँ पे प्ले स्टोर का एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो। तो एंड्रॉयड TV में आपको गूगल प्ले स्टोर मिलता है, उसी तरह से आप देख सकते हो कि जो एप्पल TV है तो इसमें भी आपको ये ऐप मिल जाएगा। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि फायर TV स्टिक है तो उसमें भी ये चीज़ आपको मिल जाएगी। एंड उसके बाद देख सकते हो LG TV में भी आपको ये मिल जाएगा। तो कोई भी आपके पास ये स्मार्ट TV होना चाहिए। तो मेरे पास Realme का TV स्टिक है और वो एक एंड्रॉयड है, तो इसलिए मैं एंड्रॉयड का यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। उसमें क्या करना है, आपको जियो TV प्लस नाम का ऐप डाउनलोड करना है, साथ ही आपको वो सारे ऐप भी डाउनलोड कर लेने हैं जो जो OTT ऐप आपको जियो वाले सेटअप बॉक्स के साथ मिल रहा है, तो उन सारे ऐप्स को भी आपको डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले जियो TV प्लस और उसके बाद जो है जो भी OTT ऐप्स आपको साथ में मिल रहे हैं तो वो सब भी आपको डाउनलोड कर लेना है। तो दो चीज़ें आपके पास डाउनलोड हो गई, दो चीज़ें मतलब कि पहला जियो TV प्लस और दूसरा OTT ऐप्स। तो ये सारी चीज़ें डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद आपको उसी नंबर से लॉगिन करना है जिस नंबर से आपका जियो एयर फाइबर का कनेक्शन है। सेम नंबर से आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप
सारे कंटेंट को प्ले कर पाएंगे जो भी आपको जियो एयर फाइबर में कंटेंट मिल रहा है, मतलब जो भी टीवी चैनल्स है, जो भी ओटीटी ऐप्स है, आप सब कुछ अपने दूसरे टीवी में प्ले कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छी बात है, जियो की तरफ से ये ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। पहले ये फैसिलिटी नहीं थी, जियो की तरफ से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था कि आप एक टीवी के अलावा कहीं और प्ले कर पाओ, क्योंकि जियो टीवी प्लस जो ऐप है वही आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिल रहा था, मतलब होता ही नहीं था। फिलहाल ये जो है मोबाइल के लिए नहीं है, तो आप अपने एंड्रॉयड टीवी में डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी आपके पास एंड्रॉयड टीवी हो या फिर टीवी स्टिक हो जिसके अंदर आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको ये ऐप डाउनलोड करना है, इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है और आप प्ले कर पाएंगे। फिर आप अपना जियो का जो सेटअप बॉक्स है उस तरह से आप टीवी चैनल्स को देख पाएंगे और ओटीटी ऐप्स को प्ले कर पाएंगे। तो दोस्तों यही है जियो 2-in-1 ऑफ़र। तो दोस्तों अगर आपके भी घर में एक से ज़्यादा टीवी है और उन टीवी में भी आप जियो सेटअप बॉक्स को यूज़ करना चाहते थे, तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर आप इस तरह से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके सभी चीज़ों को प्ले कर पाएंगे। आई होप गाइस आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपका कोई डाउट रहा हो तो कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, धन्यवाद।